चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहली बात, फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स वेरिएबल फोर्स है, एफ इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। अगर फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है तो भी वो वेरिएबल फोर्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, वेरिएबल फोर्स है तो एफ इंटू डी एक्स, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा सा वर्क डन हुआ, अब इसे इंटीग्रेट किया जाता है, जहां से जहां तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है, एक्स इजकल टू जीरो से इनिशियल पोजिशन है एक्स इजकल टू जीरो और फाइनल पोजिशन है एक्स इजकल टू एक्स वन, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये डब्ल्यू होगा, लिमिट जीरो टू डब्ल्यू इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है, सी एक्स है, ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो टू एक्स वन और इसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं w माइनस जीरो, यहां लिमिट ले लिया था हमने, ये हो जाएगा c बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू एक्स वन, वर्क डन इज इक्वल टू सी एक्स, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया जाए तो एक्स वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई टू सी एक्स वन स्क्वायर, ये वर्क डन होगा इस वेरिएबल फोर्स की वजह से, 0 से लेकर x1 डिस्टेंस तक, हाफ सी वन हाफ सी एक्स वन स्क्वायर, ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।